वालेकुम यार, एक चीज़ समझ में नहीं आती कि गाड़ी पे देखते हैं हम लोग अक्सर के जी लॉक के जो है वो स्टीयर लगे हुए होते हैं या फिर बैक साइड पे मारखोर के लगे हुए होते हैं, तो इससे जो है जो स्नेचर्स होते हैं या फिर जो छीनने आते हैं तो वो क्या रुकेंगे कि जी लॉक लगा हुआ है तो उसमें लाजमी जो है वो कुछ ना कुछ मौजूद होगा या फिर मारखोर का लगा हुआ है तो उसमें कोई ना कोई बंदा स्पेशल होगा, तो थोड़ा सा मुझे इस बात पे गाइड करिए, समझ में नहीं आती है, समझ से बादल बात है। ज़रा जफर भाई से हमारे मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ कि ये क्या कहना चाहेंगे कि इस स्टिकर के हवाले से और जो भी है। ये जफर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, मैं एक बात पहले सवाल पे फिर मैं जवाब दूँगा। हम अपनी गाड़ी के ऊपर पार्टियों के झंडे लगाते हैं, सही, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्टी को, शो करते हैं। अब हमें अगर हम इसके ऊपर अपनी गाड़ी पे मारखोर का स्टिकर लगाएं तो इससे हम जो बेसिकली मेरी सोच है, हम लोग अपनी जो ISI है, हमारी जो MI है, हमारी जो पाक फोर्स है, जितनी भी है, उनके एक एजाज़ में लगाते हैं, उनसे मोहब्बत के इजहार में लगाते हैं कि वो हमारी ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद वो हमारी ताकत है, तो इसलिए लगाते हैं। मैं तो इसीलिए इस शौक में लगाता हूँ। नहीं जफर भाई, लेकिन ये जो जी लॉक के स्टिकर आप देखते हैं या फिर आप कुछ किसी और चीज़ के देखते हैं, इनका क्या मकसद है? जी लॉक के स्टिकर अगर आप कोई लगा रहा है अपनी गाड़ी के ऊपर, इससे वो शायद अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, डकैतों को पहले ही जो है वो इंडिकेट करना चाह रहा है, पहले उनको वार्न करना चाह रहा है कि मेरे पास जो है गन रखी हुई है तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो, अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है।